हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जो कि हमें डिमांड किया था अभी कल की ही वीडियो में, एंड वन ऑफ माय व्यूअर वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑन चार्ट्स की ये कंपनी कैसी दिखती है। मैंने अभी कंपनी का नाम नहीं शो किया है, अगर आप गेस कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली आप मेरे को बताइएगा कि हु वॉज़ द फर्स्ट वन हु गेस्ड इट राइट। बट बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो, लाइक आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज काफ़ी लोग इसमें वीडियोज़ देखते हैं बट सब्सक्राइब चैनल करना भूल जाते हैं। सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अभी जो ये आप चार्ट देख रहे हैं ये 8,269 रुपये पर चल रहा है पर शेयर, एंड मैंने आपको एक ही ट्रेंड लाइन, एक ही रेजिस्टेंस लाइन खींच के दिखाई है जहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस ले सकता है। वीकली का चार्ट है और एक बहुत ही बेहतरीन इसमें राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा है जो कि आप देख सकते हैं इस चार्ट पर। तो ये जो राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ है ये बहुत ही पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ है, बट क्या मैं अभी ख़रीदूँ इसको? मैं कहूँगा अभी हमें रुकना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वीकली का चार्ट है ये। वीकली के चार्ट पर ये जब तक ये रेजिस्टेंस 8,900-9,000 के आसपास का क्रॉस नहीं करता तब तक हमें इस पर थोड़ा सा बने रहना चाहिए अगर किसी के पास है तो, क्योंकि बहुत बेहतरीन ये चार्ट लग रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे ही ये 9,000 का स्तर पार करेगा उसके बाद इसमें काफ़ी बड़ी ये रैली होगी शुरू। अभी आप देख सकते होंगे कंपनी का नाम है लक्ष्मी मशीन वर्क्स, और लक्ष्मी मशीन वर्क्स की ये वीकली का चार्ट बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करके दिखाऊं तो किसी ज़माने में इसका शेयर हुआ करता था कुछ 39,000-40,000 के आसपास पर शेयर। इसका हाई है 39,418 एंड ये वहाँ तक जाने की क्षमता रखता है बिकॉज चार्ट बहुत अच्छा अभी बना हुआ है वीकली के वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं इसको आपको डेली के चार्ट पर भी दिखाऊं तो डेली का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो डेली के चार्ट में इसमें आपको क्लियरली एक ये आपको रेजिस्टेंस दिखता है फिर से 9,000 के आसपास, जहां पे डेली के चार्ट में मैंने आपको दिखाया है जो कि पहले भी इसी स्तर पर उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर ये आया था 2018 में। तो 2018 का रेजिस्टेंस है ये, अगर ये 2018 का रेजिस्टेंस तोड़ देता है विच इज़ लाइक अराउंड 9,200-9,300 डेली के चार्ट पर, तो बहुत ही बेहतरीन रैली स्टार्ट हो सकती है इस स्टॉक में। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा रडार पे रख सकते हैं और अभी आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे से ऊपर बढ़ सकता है। अगर आप देखते हैं तो MACD पर भी ये बुलिश क्रॉसओवर होना शुरू हो गया है और यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, तो रडार पे ज़रूर रखिए। अब लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द कंपनी, लाइक ये कंपनी करती क्या है, किस बिजनेस में है। आपको पता है लक्ष्मी मशीन वर्क्स इज़ अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर लाइक द टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, एंड जैसे आप जानते हैं कि इसके इस इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत ही ज़बरदस्त रिफॉर्म्स आ रहे हैं, और आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी ज़रूर जहां पर कि मैंने KPR मिल्स के बारे में जिक्र किया था। इसी तरह से ये कंपनी भी है, 1962 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एंड वन अमंग द थ्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस द एंटायर रेंज ऑफ स्पिनिंग मशीनरीज। तो ये पूरा स्पिनिंग मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करती है। इट केटर्स टू द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टू द एशियन एंड ओशियानिक कंट्रीज, ओशियानिक रीजन को भी ये करती है केटर। इसके कौन कौन से डिविजन्स हैं? लक्ष्मी मशीनरी डिवीजन है, टेक्सटाइल मशीनरी डिवीजन है सॉरी, जहाँ पे कि ये स्पिनिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को, एंड दिस इज़ द लीडिंग टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड वन अमंग द फ्यू इन द वर्ल्ड टू ऑफर कंप्लीट स्पिनिंग सॉल्यूशंस टू द कस्टमर्स। सेकंड डिवीजन जो है इसका वो है मशीन टूल डिवीजन। द कंपनी इज़ रिकॉग्नाइज्ड नेम इन द CNC मशीन स्पेस, एंड जहाँ पर कि एंटायर रेंज ऑफ CNC लैटर्स एंड मशीनिंग सेंटर्स प्रोवाइड करती है टू द लीडिंग कॉर्पोरेट्स इन इंडिया।
थर्ड डिवीजन जो है फाउंड्री डिवीजन, ये छोटा डिवीजन है इनका, जहाँ पे कि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को केटर करती हैं ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में विद निश प्रोडक्ट्स। द फोर्थ डिवीजन इज़ अगेन लाइक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर। द कंपनी लिवरेजेज इट्स इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ टू डेवलप कॉम्पोनेंट्स फॉर द हाईली कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस सेक्टर। तो एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी काम करती है, ये भी बहुत छोटा डिवीजन है इनका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज फंडामेंटल। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो ये कंपनी का मार्केट कैप है 8,841 करोड़। करंट प्राइस की बात करते हैं 8,200, जहाँ पे कि अगर आप हाई देखते हैं 52 वीक हाई, तो 8,880 जो कि अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अराउंड 9,000 आई टोल्ड यू ऑन द चार्ट इज अ स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस, एंड ये डबल टॉप बना के वहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे ही 9,000 का स्तर तोड़ेगा ऑन अ डेली चार्ट, 9,200 के आसपास अगर तोड़ता है और सस्टेन करता है, तो वहाँ पर आप ये मत सोचिएगा थोड़ा महंगा मिल रहा है, बट वहाँ पर वो लेने वाला स्तर होगा। स्टॉक का पी ज़रूर थोड़ा सा हाई लग रहा है आपको, क्योंकि 105 का स्टॉक का पी ई है, जबकि इंडस्ट्री का पी ई सिर्फ 64 का है, तो वहाँ से थोड़ा सा हाईली प्राइज्ड है। बुक वैल्यू 1,666 रुपये है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के आसपास आती है। आर ओ सी ई आर ओ ई बहुत ग्रेट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पर थोड़ा सा ये मात खाता है, और वहाँ पर इस जगह पर ये मेरे को थोड़ा सा क्वालिटी वाइज कम लगता है, बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कमा के शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहा है, और सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी भी कमा के उस तरह से नहीं दे रहा है, बट शेयर एप्रिसिएशन ज़रूर ये करके दे रहा है। फेस वैल्यू 10 की है, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये स्प्लिट या बोनस करता है, तो दैट विल बी अनदर गुड थिंग अबाउट द कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग कम है ज़रूर 31% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 84 करोड़ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो दिस इज़ अ वॉपिंग 7885%, तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। इंटरेस्ट कवरेज भी आप देखेंगे तो 18.23 times है, और रिजर्व्स की बात करते हैं तो 1,770 करोड़ के रिजर्व्स हैं। EPS 53 का निकाल के दे रही है ये शेयर होल्डर्स को। तो फंडामेंटली लाइक आर ओ सी ई और आर ओ ई पे ये थोड़ा सा मात खा रहे हैं, बिकॉज ये कमा के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना कैपिटल लगा रहे हैं उस पर रिटर्न कमा के नहीं दे पा रहे हैं शेयर होल्डर्स को। प्रोज एंड कॉन्स की क्विकली बात कर लेते हैं। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, क्वार्टर अच्छा आने की उम्मीद है, मेंटेनिंग हाई हेल्दी डिविडेंड पे आउट टू द शेयर होल्डर्स, ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। बट वहीं पर चैलेंजेस भी है कि कंपनी जो का स्टॉक का जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 5 times कर रहा है बुक वैल्यू के। कंपनी थोड़ा सा पुअर सेल्स ग्रोथ है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द लास्ट 3 years, डेटर डेज इंक्रीज़ हुए हैं, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। 29 days से 37 days हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट ये अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वार्टर बहुत सबड्यूड रहा है 457 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर बेहतरीन था, उसे लास्ट क्वार्टर भी ठीक था। तो अभी लास्ट 3 quarters के अगर हम देखेंगे तो 450 करोड़ के आसपास ही ये घूम रहा है इसका सेल्स नंबर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर इसका 44 करोड़ था, अभी इस क्वार्टर में घट के रह गया सिर्फ 7 करोड़। तो ये थोड़े से चैलेंजिंग नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को। और इसी तरह से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी ये लॉस में पहुंचा है इस क्वार्टर में, एंड दैट इज़ वेयर द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, वेदर द कंपनी इज़ गुड और बैड। बट अगर प्रॉफिट्स नहीं कमा के दे रही है शेयर होल्डर को, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं है, आरओई अच्छा नहीं है, प्रॉफिट से लॉस में अगर कोई कंपनी आ गई है क्वार्टर में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर लगता है। और इसी वजह से इसको रडार पे रखिए, अभी ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत जल्दबाजी नहीं है, मार्केट भी पीक पर है। अगर ये नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा देती है उसके बाद खरीद सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप देखेंगे कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसने अच्छे सेल्स नंबर कमा के दिए हैं, बट स्टिल इफ़ यू सी ये पिछले कुछ सालों से 2016 में इसने सबसे अच्छा पीक दिखाया था 2800 करोड़ का सेल्स नंबर, बट उसके बाद ये उस ट्रेजेक्ट्री को गेन करने में अभी तक सफल नहीं रही है, और अभी भी ये स्ट्रगल कर रही है कुछ 2000 करोड़ के आसपास ही ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इनके
सेल्स नंबर है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसका बहुत हेल्दी नहीं है, गिरता जा रहा है और अभी टू डिजिट में आ गया है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है मेरे लिए। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि मैं पैसा लगाऊंगा, नहीं मैं अभी नहीं लगाऊंगा, मैं वेट करूंगा इसके जब तक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे वापस नहीं लौटती है कंपनी। बोरिंग नहीं है तो वो विच इज़ अ गुड थिंग। रिजर्व्स भी बहुत कोई 1700 करोड़ के रिजर्व्स बहुत कोई ग्रेट नहीं है, ठीक ठाक है, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रहे, रिजर्व्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, बोरिंग्स भी नहीं बढ़ रही है। अगर आप रेशियोज़ की बात करते हैं, डेटर डेज बढ़ रहे हैं विच इज़ अगेन अ रेड फ्लैग फॉर मी। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हैं तो द ओनली रेस्पाइट हियर इज़ लाइक प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं 30-31% से, अभी थोड़ा सा इनका 31.13 जून क्वार्टर में भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.02%। FIIs का अगर देखते हैं, FIIs ने भी अपना होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ाई है पिछले दो क्वार्टर में, 1.5% से अभी 3.75 और 4.25% आ गई है अभी यहाँ पर। और DIIs की होल्डिंग कांस्टेंट है, जबकि DIIs ने इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर में अपनी होल्डिंग कम की है, और पब्लिक के पास काफ़ी ज़बरदस्त इसकी होल्डिंग है। कंपनी में बुराई नहीं है बिकॉज थोड़ा सा निश है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट भी थ्रस्ट दे रही है, PLI स्कीम अभी अनाउंस हुई ही थी, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो सारी ही कंपनी अभी 52 वीक हाई पर हैं। एंड KPR मिल्स का मैंने अभी लास्ट टाइम 1900 के आसपास बताया था, जो कि 2200-2300 रुपये जाकर अभी उसी की ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है। तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू सी द ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ये नंबर सुधरते नहीं है तब तक मैं इन्वेस्ट करने की बिल्कुल राय नहीं दूंगा। हाँ, अगर ये स्टॉक चार्ट्स पे अगर आप देखते हैं तो चार्ट्स पे 9000 का लेवल तोड़ने के बाद डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। सो दिस इज़ इट, ये वीडियो ऑन डिमांड थी। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक स्टॉक में जानना चाहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, अगर कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली कम बैक टू मी एंड आस्क मी वेदर आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट माई मनी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन सजेस्ट यू। हाउएवर दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट सजेशन, यू कैन डेफिनेटली डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल। ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।